हैं सागर रोड पर। ये मेन रोड है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लॉक लगाए गए थे। जब ये ब्लॉक लगे थे तब भी हमने विरोध किया था। ये ब्लॉक एक बार उखड़े, अब दोबारा उखड़ रहे हैं। अब इनकी फिर देखिए आप, फिर इनकी भरपाई की जा रही है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे लुटाया जा रहा है ये आपको दिख सकता है यहाँ पे। यहाँ पर आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब भी मीडिया इस बात को उठाती है तो ये ऐसा काम किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक लग रहे हैं, दोबारा इसकी फिर भरपाई की जा रही है। और अब ये कितने दिन तक टिकेंगे ये कहना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हजारों वाहन दिन रात गुजरते हैं लेकिन संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर जा नहीं रहा है। जब भी हम लोग इसको आवाज़ को उठाते हैं तो ये लोग सिर्फ ये खाना पूर्ति कर देते हैं। इसके बाद दो तीन महीने बाद ये फिर उखड़ जाते हैं, आम जनता परेशान होती है। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन राय से। इस रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तीन साल से देखते देखते क्या बोले, देख नहीं रह गया, बदलाव कुछ हो नहीं रहा है। देखते देखे कुछ लगता है ब्लॉक, बस उसके टूट जाते हैं। क्या यहाँ ब्लॉक लगना उचित था क्या? RCC हो जाता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन था, लेकिन सर जो मनरेगा के तहत बनाया मुझे लगता है ये रोड कि वो है, वो व्यवस्था है, गड्ढा खोदो फिर भरो फिर गड्ढा खोदो, चलता रहेगा काम ऐसे। कितनी बार वो खड़ चुका है रोड कमरे में? 4-5 बार तो मैं ही देख चुका हूँ। क्या नाम है आपका? सोमेश है। नहीं है सर, परेशान ये कि सड़क बार बार उखड़ जाती है, ये जो जोड़ है सड़क का ये बार बार उखड़ जाता है। इसे 6-8 इंच का गैप आ चुका है। रात को जब टके निकलती है तो ढंग ढंग की आवाज़ आती है, ऐसा दुकान का सामान हिल जाता है उससे। ये हाल ये कितनी बार उखड़ चुका है रोड? ये कम से कम 7 बार उखड़ चुका है, कम से कम 2 साल के अंदर। क्या परेशानी होती है रोड पे? साहब गाड़ी वाड़ी निकालने में दिक्कत आती है, गड्ढे हो जाते हैं, पानी में दिखते नहीं है गड्ढे वगैरह, गाड़ी से एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं इधर, ब्लॉक वगैरह निकल जाती है, बरसात में उखड़ जाती है, हर साल उखड़ती है वो। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। नगर